हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मार्वल मूवी फैक्ट के एपिसोड नंबर 5 में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मार्वल की मूवी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आयरन मैन 2 मूवी के दौरान जब टोनी स्टार्क अपने पिता हावर्ड स्टार्क का सूटकेस खोलता है तो उसमें हम ये कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक भी देख सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिर यह कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक कहाँ से आई। तो जैसे कि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में देखा था कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर और हावर्ड स्टार्क बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उस टाइम पे कैप्टन अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो गए थे। तो हो सकता है कि उस टाइम पे कैप्टन अमेरिका पे कोई कॉमिक बुक बनी हो जो कि हावर्ड स्टार्क ने अपने पास रख ली, जिसे कि हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा था। अवेंजर एंड गेम मूवी की शुरुआत में हम हॉकाई को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, और तभी थैनोस के स्नैप की वजह से उसकी फैमिली डस्ट में बदल जाती है। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि हॉकाई के इस फैमिली वाले सीन को पहले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी में रखा जाने वाला था, लेकिन बाद में इसे डायरेक्टर ने कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनका मानना था कि जब हॉकाई को पूरी मूवी में ही नहीं दिखाया तो उसे एंड वाले सीन में दिखाने का क्या मतलब होता है। अगर आपने 2012 में आई दी एवेंजर मूवी देखी होगी तो उस मूवी के एंड में जो फाइट सीन होता है उसमें हम कुछ आर्मी वालों को भी देख सकते हैं जो कि वहाँ पे खड़े लोगों को बचा रहे होते हैं। लेकिन आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि वो जो आर्मी वाले थे वो रियल आर्मी वाले थे और उन्हीं को बुलाया गया था ताकि वो इस मूवी की शूटिंग कर सके। कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में हमें ये दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में जो आर्मी जोला था वो अब एक कंप्यूटर प्रोग्राम बन चुका है, और वहीं पे नीचे हम पेपर पे एक सूट का डिज़ाइन भी देख सकते हैं जो कि लिया गया है कॉमिक्स से, क्योंकि कॉमिक्स में भी यही दिखाया गया है कि आर्मी जोला बाद में कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाता है और वो खुद को एक सूट में डाल लेता है। अवेंजर्स एंड गेम मूवी में हम थॉर को सनग्लासेस पहने हुए देखते हैं, और यही सेम ग्लासेस बैक टू द फ्यूचर 2 मूवी में मार्टी मैकफ्लाई नाम के कैरेक्टर ने भी पहने थे। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि बैक टू द फ्यूचर मूवीज़ और एवेंजर एंड गेम मूवी में एक सिमिलैरिटी है क्योंकि इन दोनों ही मूवी में टाइम ट्रेवल दिखाया गया है। एमसीयू में ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस स्कारलेट जोहानसन एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी, इसलिए उस मूवी की शूटिंग के दौरान बहुत सारे सीजीआई और स्टंट डबल का यूज़ किया गया था ताकि उनके निकले हुए पेट को छुपाया जा सके। आप सब इस करेक्टर को तो जानते होंगे, इसका नाम है अलेक्जेंडर पियर्स, जिसे कि हमने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी में देखा था। लेकिन यह फैक्ट की बात यह है कि इसका जिसने रोल प्ले किया है उनका नाम है रॉबर्ट रेडफोर्ड, और उन्होंने ये कहा था कि वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर मूवी के बाद और किसी भी मूवी में काम नहीं करेंगे। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, लेकिन फिर भी वो एंड गेम मूवी के लिए रिटर्न आए जहाँ पे उन्हें पास्ट वाले सीन में अलेक्जेंडर पियर्स का रोल प्ले करना था। आप सभी ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी तो देखी होगी, उसमें जब टोनी स्टार्क अल्ट्रॉन को बना रहा होता है तब वो कहता है पीस इन आवर टाइम, और वो सेम डायलॉग है जो 1930 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेविल कैमरेल ने बोला था जब उन्होंने हिटलर के साथ शांति संधि करी थी। लेकिन उस शांति संधि का कोई भी फर्क नहीं पड़ा और हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही हमने एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में भी देखा जहाँ टोनी स्टार्क ने पीस इन आवर टाइम बोला और वहीं अल्ट्रॉन पूरी दुनिया को ख़त्म करने की राह पे निकल पड़ा। आप सभी ने ब्लैक पैंथर मूवी में एम्बाकू को तो देखा ही होगा, लेकिन यह फैक्ट की बात यह है कि कॉमिक्स में एम्बाकू थोड़ा अलग है। वो एक वाइट कलर के वुल्फ की पोशाक पहनता है और लोगों पे हमला करता है, लेकिन मूवीज में ऐसा नहीं रखा गया और उसे चेंज कर दिया गया। यहाँ तक कि मैं अगर आपको बताऊँ तो जब ब्लैक पैंथर मूवी इंडिया में रिलीज हुई थी तो लोग एम्बाकू को तम्बाकू बोलते थे। एंटमैन एंड द वास्प मूवी में जेट वैन डाइन का जो रोल प्ले किया था वो किया था मैकेली पी फीफर ने, और वहीं पे एंटमैन का जो रोल प्ले किया था वो किया था पॉल रड ने। यानी कि देखा जाए तो मूवी के दौरान इन दोनों का एज डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यह फैक्ट की बात यह है कि 2007 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आई कैन नेवर बी योर वूमेन, और उस मूवी में इन दोनों ही एक्टर्स ने साथ में काम किया था, और उस मूवी के दौरान इन दोनों ही एक्टर्स कपल्स थे। अवेंजर्स एंड गेम मूवी में हमने देखा था कि हॉकाई और ब्लैक विडो दोनों वॉरमिन प्लैनेट पे जाते हैं सोल स्टोन लेने, जहाँ पे उन्हें मिलता है रेड स्कल जो कि कहता है क्लिंट सन ऑफ एडिथ। जहाँ पे जब मैंने सबसे पहली बार ये लाइन सुनी थी तब मुझे लगा कि एडिथ हॉकाई के पिता का नाम है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि एडिथ हॉकाई की माँ का नाम है और हॉकाई के पिता का नाम है हारोल्ड। और अगर मैं आपको हॉकाई की कॉमिक बुक ओरिजिन बताऊँ तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि हॉकाई अपनी माँ एडिथ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन उसके जो पिता है वो एक नंबर के शराबी होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दारू पीते हैं, और इसी के चक्कर में एक बार उसके पिता उसकी माँ के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।